नमस्कार, एलएम स्किल्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं एमडी मुन्ना और आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के लिए टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि टेम्पलेट होता क्या है। अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं अलग से। ये पहले से ही कंपनी आपको कुछ फॉर्मेट देती है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने काम के लिए। जैसे कि अगर आपको रिज्यूम बनाना है और आपको पता नहीं है कि यहाँ रिज्यूम का फॉर्मेट क्या होता है, तो वो फॉर्मेट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आप, और उसको क्लिक करेंगे उस टेम्पलेट को जो आपको पसंद आया है, और सिर्फ आपको अपना इन्फॉर्मेशन भरना है। जो आपको ज़रूरत है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन भरने की, आप सिर्फ उसको भरेंगे, और जो आपको लगता है कि हाँ आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठता, आप उसको हटा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिज्यूम का एक फॉर्मेट दिया हुआ है, तो हो सकता है कि अगर आप फ्रेशर हों, स्टूडेंट हैं, तो आपको वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस वाला सेक्शन हटा देंगे और सिर्फ अपने डिटेल्स भरेंगे, तो ऐसे आपका काम आसान हो जाता है। आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपको अपना काम किस तरह से शुरू करनी चाहिए। तो ऐसे ही एक्सेल में भी कुछ फॉर्मेट दिए होते हैं और पावर पॉइंट में भी फॉर्मेट दिए होते हैं, तो इन फॉर्मेट्स को जो है टेम्पलेट्स कहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में जो पहले से टेम्पलेट दिए हुए हैं वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप चाहते हैं कि और भी डिज़ाइंस आपको मिलें, तो वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे अभी उसको हम देखते हैं कैसे करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाना है। तो गूगल क्रोम ब्राउज़र मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इसको ओपन करता हूँ, और यहाँ पे office.com वेबसाइट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए बना है, इस पे जाएंगे। अब यहाँ पर हम वेबसाइट में आ गए, तो यहाँ पे देखिए मेन्यू में टेम्पलेट का सेक्शन दिया हुआ है, तो टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं कि किस कैटेगरी का डिज़ाइन आपको चाहिए, कि आपको कैलेंडर से रिलेटेड डिज़ाइन चाहिए या रेज्यूमे और कवर लेटर से रिलेटेड डिज़ाइन चाहिए, या फिर आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आपको डिज़ाइन चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्लिक करके अंदर डिज़ाइन देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा यूज़ करूँ, तो आप नीचे आ जाइए और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ऐप्स का सेक्शन दिया हुआ है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भी यहाँ पर है। आप अगर वर्ड से रिलेटेड कोई टैबलेट चाह रहे हैं तो आप सिर्फ वर्ड पे क्लिक करेंगे, एक्सेल से रिलेटेड कोई टैम्पलेट चाहिए तो सिर्फ एक्सेल पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल वर्ड पे क्लिक करके देखते हैं कि किस तरह से टैम्पलेट दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए वर्ड पे क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ टैम्पलेट्स आ गए हैं, आपको जो भी टैम्पलेट पसंद आ रहे हो उस टैम्पलेट को आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आप एक बात और का ध्यान दीजिए कि यहाँ पर टैम्पलेट का नाम लिखा हुआ है और साथ साथ ही सॉफ्टवेयर का नाम भी लिखा हुआ है कि ये टैम्पलेट किस सॉफ्टवेयर के लिए है। तो यहाँ पे वर्ड लिखा है तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये टैम्पलेट जो है वर्ड के लिए दिया हुआ है। अगर आप ऐसे ही यहाँ पे कैटेगरी में आ जाते हैं, कैटेगरी में आने के बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे लेबल्स चेक करते हैं, तो लेबल्स में भी आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है टैम्पलेट का और साथ में सॉफ्टवेयर का नाम भी लिखा हुआ है, ये वर्ड के लिए है। अगर कोई एक्सेल के लिए टेम्पलेट होगा तो उसके नीचे एक्सेल लिखा होगा। इनवॉइसेस में आते हैं, इनवॉइसेस विजुअली एक्सेल के लिए होते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक्सेल में हमें इनवॉइस बनाना पड़ता है, बिल्स बनाने पड़ते हैं, तो यहाँ पे इनके नीचे एक्सेल लिखा हुआ है। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि टेम्पलेट जो है किस सॉफ्टवेयर के लिए दिया हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ड के लिए दिखाता हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है। तो रिज्यूम का ही फॉर्मेट लेते हैं, यहाँ पर रिज्यूमे में आते हैं और यहाँ पे एक अच्छा सा टेम्पलेट देखते हैं। मान लीजिए ये रिज्यूमे का फॉर्मेट है, इसको यूज़ करना है, इसको डाउनलोड करना है, तो इसको कैसे डाउनलोड करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए उस फॉर्मेट का पेज आ जाएगा और यहाँ डाउनलोड बटन दिया हुआ है, डाउनलोड करने के लिए इस बटन को क्लिक करें और ये इस तरह से जो है डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने हो जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये फाइल डाउनलोड कहाँ पे हो रही है। अब ये फाइल जो है डाउनलोड हो गई है, तो मैं यूजुअली डाउनलोड्स फोल्डर में ही डाउनलोड करता हूँ, तो मुझे पता है कि फ़ाइल डाउनलोड कहाँ पे हो रही है। अगर आपको नहीं पता कि कहाँ पे डाउनलोड हो रहा है तो आपको सिर्फ शो ऑल पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आप जो है शो इन फोल्डर पर क्लिक करेंगे और यह आपको डायरेक्टली ले जाएगा उस फोल्डर पर जहाँ पर आपने ये फ़ाइल डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डाउनलोड्स फोल्डर के ही अंदर डाउनलोड किया हुआ है।
अब उस टेम्पलेट को वर्ड में कैसे यूज़ करना है वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए ओपन अदर डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे और ब्राउज़ पे जाएंगे। ब्राउज़ पे जाने के बाद जो है उस फाइल को यहाँ पे ओपन करना है, उस टेम्पलेट वाली फ़ाइल को जो हमने अभी डाउनलोड किया है। तो डाउनलोड्स पे जाता हूँ, ये यहाँ पे वो फाइल है जो मैंने अभी डाउनलोड किया था। ओपन पे क्लिक करता हूँ और ये जो है वो टेम्पलेट जो है अभी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए ये रेज्यूम का फॉर्मेट था जो मैंने अभी डाउनलोड किया था, ये इस तरह से ओपन हो गया है। इस पे आप कुछ आपको डिटेल्स अपने भरने हैं तो इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करिए, और जो भी आपको डिटेल अपने भरने हैं आप यहाँ पे अपने डिटेल्स भरना जो है शुरू कर दीजिए। पूरी डिटेल भरने के बाद जो है आप इसको सेव कर सकते हैं। आपको जो सेक्शन यहाँ पे नहीं चाहिए आप उसको डिलीट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जितना दिया हुआ है सेक्शन आप उसको यूज़ करें। तो इस तरह से जो है आप टेम्पलेट वर्ड में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एक्सेल के लिए देखना है तो एक्सेल के लिए भी दिखा देता हूँ मैं आपको। अगेन यहाँ वेबसाइट पे आ गए, टेम्पलेट्स में आ गए। टेम्पलेट्स में आने के बाद एक्सेल के टेम्पलेट्स देखेंगे, और यहाँ पे सपोज मैं इस फॉर्मेट को ब्लू टाइमशीट दिया हुआ है इसको डाउनलोड करता हूँ। इसको क्लिक किया और सेम प्रोसेस डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है, और फिर एक्सेल में आ गए और यहाँ ओपन कर रहे हैं। ब्राउज़ पे गए, ब्राउज़ पे जाने के बाद जहाँ पे टेम्पलेट हमने डाउनलोड किया उस फाइल को ओपन करेंगे, और ये इस तरह से जो है वो टेम्पलेट एक्सेल के अंदर आ गई। सेम पावर पॉइंट के लिए अब हमें करना है, तो पावर पॉइंट के लिए भी फिर से टेम्पलेट्स में जाएंगे और यहाँ पे हम डायरेक्ट पावर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो पावर पॉइंट के जो भी टेम्पलेट्स हैं वो दिख जाएंगे हमें। तो चलिए इस बार मैं आपको कैटेगरी से दिखा देता हूँ। यहाँ पे यहाँ प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन जाहिर सी बात है कि पावर पॉइंट के लिए ही है, तो पावर पॉइंट के लिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन के जो टेम्पलेट दिए हुए हैं वो आ गए। अब यहाँ पे जो भी डिज़ाइंस आपको पसंद हैं उसको क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मुझे पसंद जो आ रहा है वो है ये हेक्सागोन प्रेजेंटेशन डार्क। इसको डाउनलोड करने के लिए क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद सेम डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है, और फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद पावर पॉइंट पे आ गया मैं, और ओपन करते हैं यहाँ से, ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ करने के बाद डाउनलोड्स में गए और जो टेम्पलेट चाहिए वो फाइल ओपन कर दिया, और ये इस तरह से जो है पूरी स्लाइड आ गई हमारे पास उस टेम्पलेट में जो अभी हमने तुरंत डाउनलोड किया है। अब यहाँ पे जो भी हमें डिज़ाइन चाहिए हम अपना टाइटल यहाँ पे भर देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो देखा आपने कितना इजी है ऑनलाइन जो है टेम्पलेट्स को डाउनलोड करना। तो इस तरह से जो है आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली जो भी आपको डिज़ाइंस पसंद है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।